स्प्रिंग, किसने लिखा है इसे? अनीस जंग ने। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? साहेब जो है कचड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? वेयर इज ही, वो कहां पर है? एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहां से आया हुआ है? तो आंसर है, साहेब इज अ रैग पिकर, साहेब एक कचड़ा धोने वाला है। ही इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, और वह कचड़े के ढेर में गोल्ड ढूंढ रहा है। समटाइम्स कभी कभी तो, ही फाइंड्स ए रुपी, कभी कभी उसे एक रुपए का नोट मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी उसे 10 रुपए का नोट मिल जाता है ना, कचरा बेचकर। ही इज लिविंग इन सीमापुरी, वह सीमापुरी में रह रहा है, नियर दिल्ली, जो कि दिल्ली के पास की जगह है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश ढाका, और वह बांग्लादेश ढाका से आया हुआ है इन 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर? जो ऑथर अनीस जंग है वो बच्चों के चप्पल न पहनने के क्या कारण देते हैं? इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से दिया जाए, व्हाट डू द पीपल इन सीमापुरी टेल, सीमापुरी में जो लोग बाग हैं वो क्या कहते हैं? द ऑथर, ऑथर से अबाउट नॉट वियरिंग चप्पल्स, चप्पल ना पहनने के। या फिर इसी में और क्वेश्चन जोड़ेंगे, व्हाट डज द ऑथर थिंक, और ऑथर क्या सोचती है? तो क्वेश्चन जो है दो तरीके से बन सकता है, एक तो ऑथर अनीस जंग जो है बच्चों के चप्पल ना पहनने के क्या कारण बताती है, दूसरा यहाँ पर सीमापुरी में जो लोग बाग है वो बच्चे जब चप्पल नहीं पहनते हैं तो उसका क्या कारण बताती है, और ऑथर क्या सोचती है? तो आंसर है, द ऑथर अनीस जंग ऑफर्स टू एक्सप्लेनेशन, ऑथर अनीस जंग जो है वो दो एक्सप्लेनेशन देते हैं फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर, बच्चों के चप्पल ना पहनने के। वन एक्सप्लेनेशन इज डेट, पहला कारण तो यह है कि इट इज बिकम ट्रेडिशन किया है, उनकी परंपरा बन गई है। फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, बच्चों के लिए बिना चप्पल के रहना क्या बन गई है? परंपरा बन गई है। एंड अनदर एक्सप्लेनेशन इज अबाउट पॉवर्टी, और दूसरा कारण क्या बताते हैं कि बच्चे क्या है, गरीब है, वो चाहते तो है चप्पल पहनना लेकिन उनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहेब जो है टी स्टॉल पर काम करके खुश है? एक्सप्लेन कीजिए। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता तो हम आंसर लिखेंगे नो, नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब जो है टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है। ऑल्दो हालांकि ही गेट्स रुपीज 800 प्रति मंथ, हालांकि उसे प्रति महीने 800 रुपए मिल जाते हैं। एंड ऑल इज मील्स, और उसे पूरा का पूरा खाना मिल जाता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता को खो चुका है। नाउ अब ही इज द सर्वेंट ऑफ द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, अब वह टी स्टॉल के मालिक का क्या बन गया है? नौकर बन गया है। सो ही थिंक्स, इसलिए वह सोचता है, ही वाज फ्री व्हाइल रैक पिकिंग विद फ्रेंड्स, कि जब वह दोस्तों के साथ रैक पिकिंग करता था तब वह स्वतंत्र था। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और भी तरीके से दिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, Why साहेब not happy working at the tea stall? साहेब जो है टी स्टॉल पे काम करके खुश क्यों नहीं है? तो देखो, अब अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता तो हम कहेंगे साहेब नो नहीं लगाएंगे, फिर क्या कहेंगे? साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब जो है टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है। ऑल्दो हालांकि ही गेट्स रुपीज 800 प्रति मंथ, हालांकि उसे प्रति महीने 800 रुपए मिल जाते हैं। एंड ऑल इज मील्स, और उसे पूरा का पूरा खाना मिल जाता है। बिकॉज, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता को खो चुका है। नाउ अब ही इज द सर्वेंट ऑफ द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, अब वह टी स्टॉल के मालिक का क्या बन गया है? नौकर बन गया है। सो ही थिंक्स, इसलिए वह सोचता है, ही वॉज फ्री व्हाइल रैक पिकिंग विद फ्रेंड्स, कि जब वह दोस्तों के साथ रैक पिकिंग करता था तब वह खुश था। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब साहिब जो है ज्यादा समय तक अपना खुद का मालिक क्यों नहीं रहा है? या फिर ऐसे कहे, व्हाई डज द ऑथर से सो, ऑथर ऐसा क्यों कहती है? तो देखो, अब साहिब जो है कहाँ काम कर रहा है? टी स्टॉल पे काम कर रहा है ना, तो अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा है, ऑथर इसलिए ऐसा कहती है। ऑथर क्यों कहती है ऐसा? क्योंकि साहिब कहाँ काम कर रहा है? टी स्टॉल पर। जब वो दूसरे के यहाँ काम कर रहा है तो फिर वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तब भी हम यही आंसर लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर नो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द स्टील कैनेस्टर इज बर्डन फॉर साहेब, साहेब के लिए जो स्टील का कैनेस्टर है वो बोझ क्यों बन गया है, या कैसे बन गया है?
है ना, तो हम कहेंगे साहिब, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो हम यहाँ पे कहेंगे, अगर जो क्वेश्चन आ जाता है हाउ द स्टील कैनेस्टर इज बर्डन फॉर साहिब, साहिब के लिए स्टील कैनेस्टर बोझ क्यों बन गया है, तो साहिब जो है सुबह से लेकर शाम तक क्या करता रहता है, चाय की केटली को पकड़े रहता है, तो उसे चाय की केटली क्या लग रही है, बोझ लग रही है। वो क्या सोचता है कि जब वह अपने दोस्तों के साथ रैक पिकिंग करता था तब वह स्वतंत्र था। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तब भी हम यही लिखेंगे, क्या कहेंगे, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहिब जो है टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है, ऑल दो हालांकि ही गेट्स रुपीज 800 प्रति मंथ, हालांकि उसे प्रति महीने 800 रुपए मिल जाते हैं, एंड ऑल इज मील्स, और उसे पूरा का पूरा खाना मिल जाता है, बिकॉज क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता को खो चुका है। नाउ अब ही इज द सर्वेंट ऑफ द ओनर ऑफ द टी स्टॉल, अब वह टी स्टॉल के मालिक का क्या बन गया है, नौकर बन गया है। सो ही थिंक्स, इसलिए वह सोचता है द, यहाँ से जोड़ देंगे, द स्टील कैनेस्टर इज बर्डन फॉर साहिब, के साहिब के लिए स्टील का कैनेस्टर क्या है, बोझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज साहिब वर्क, साहिब कहाँ काम करता है, तो पता है यहाँ पे क्या लिखा है, टी स्टॉल पे काम करता है। हाउ मच मनी इज ही पे देयर, और वैसे उसे वहां पर कितने रुपए पे किए जाते, तो पता है उसे वहां पर 800 रुपए पे किए जाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तब भी हम इसी को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन ही से साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, तो राइटर का ऐसे कहने का क्या मतलब है कि साहिब जो है अब खुद का मालिक नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ कि साहिब कहाँ काम कर रहा है, टी स्टॉल पे काम कर रहा है, और इस वजह से वह अपना खुद का मालिक नहीं रहा है। तो अगर यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को दिया जाता है तो हम आंसर यही लिखेंगे, बस अगर पहला वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम यहाँ पर नो जोड़ देंगे, और अगर पहला वाला क्वेश्चन नहीं दिया जाता तो फिर हम नो को नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर, फिरोजाबाद जो शहर है वो किस चीज के लिए फेमस है, तो आंसर है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, फिरोजाबाद जो शहर है कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर एक परिवार इज एंगेज्ड इन मेकिंग ग्लास बैंगल्स, कांच की चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। ऑल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर एक परिवार हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस, पीढ़ी दर पीढ़ियों से क्या कर रहा है, आग की भट्टी के चारों ओर काम कर रहा है। दे मेक गुड बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन ऑफ इंडिया, और भारत की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए अच्छी अच्छी चूड़ियां बनाया करते हैं। हम चाहते तो यहाँ पे बर्ड लिख सकते थे, लेकिन विदेशी महिलाओं को चूड़ी पसंद नहीं होती है, भारतीय महिलाओं को चूड़ी पसंद होती है, इसलिए हमने क्या लिखा है, इंडिया। अब वो कॉपी करके पहन ले वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, कह रहा है फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ी बनाने वाला उद्योग है वहां पे होने वाले खतरे का उल्लेख कीजिए, या फिर हम ऐसे कहें मेंशन एनी टू हैजर्ड, कोई भी दो खतरों का उल्लेख कीजिए ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, है ना, कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग में। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया जाए, Describe the hazard of working in the glass bangles industry of फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का जो कांच की चूड़ी बनाने वाला जो उद्योग है उसमें होने वाले खतरे का उल्लेख कीजिए। तो हम पॉइंट लिखेंगे दो, पहला पॉइंट लिखा लॉस ऑफ आई साइट इज द बिगेस्ट हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, तो पहला खतरा क्या है कि फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ी बनाने वाला उद्योग है वहां पर लोगों की आंखों की रोशनी खोने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। नेक्स्ट सब पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इतना छोड़ देंगे, नेक्स्ट लिखेंगे केमिकल एंड लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट, केमिकल ताजी हवा की कमी और लाइट जो है आर हार्मफुल टू देम, उनके लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। तो फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग है उनमें कौन कौन से दो खतरे हैं, एक तो उनकी आंखों की रोशनी जल्दी चली जाती है, दूसरा जो केमिकल होता है, ताजी हवा की कमी और लाइट जो है उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो क्वेश्चन है हमारा,
वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, चाइल्ड लेबर को क्यों हटा देना चाहिए और कैसे हटा देना चाहिए। तो आंसर है चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को हटा देना चाहिए बिकॉज क्योंकि इट इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन द सोसाइटी, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है वो समाज के लिए काला धब्बा होता है। गॉड हैड मेड द चिल्ड्रेन फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, भगवान ने बच्चों को फन और एंजॉयमेंट के लिए बनाया हुआ है। चाइल्डहुड इज दैट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, चाइल्डहुड मनुष्य के जीवन की वह अवस्था है वेयर जहाँ पर दे प्रिपेयर देम सेल्फ, जहाँ पर वे स्वयं को तैयार करते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं डैट की गेटिंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करना इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि चाइल्ड लेबर को हमें क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इन योर ओपिनियन, आपकी राय में कैन मुकेश रियलाइज ए ड्रीम, क्या मुकेश जो है अपने सपने को पूरा कर सकता है। आंसर है यस, हाँ, इन माई ओपिनियन, मेरी राय से ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश जो है वह अपने सपने को पूरा कर सकता है करके, एंड टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ मोटर मैकेनिक, या फिर वो मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग लेकर अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो ये हमारे चैप्टर दो में 7 क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए हुए हैं और ये 7 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से आपको परीक्षा में 100% क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। थैंक यू।